I request our faculty, Professor Sharfunnihar Madam, to share her thoughts and experiences with Dr. Rafiq Zakaria Sahab. Zibakar Izzatmar Principal Makhdoom Muhyiddin Farooqi Sahab, Vice Principal Vidya Pradhan Madam, Muhtaram Muqarrireen Hazrat, Jami Asatiza Ikram, साहिबे वकार और साहिबे बसीरत सामीन अमाइदीन शहर अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले अपने कॉलेज के रूहे रवा प्रिंसिपल साहब की मशकूर और ममनून हूँ कि जिन्होंने डॉक्टर रफीक जकरिया साहब के यौम विसाल के मौके पर मुझे लबकुशाई का मौका मरहमत फरमाया। शुक्रिया सर। बाद अजां पद्मश्री फातिमा रफील जकरिया मैडम साहिबा की सेहत व सलामती के वास्ते दुआगो हूँ कि उनके दस्त शफ़क़त से हम सैराब हुए हैं और उनका दस्त मोहब्बत हमेशा हमारे सरों पर कायम व दायम रहे, आमीन। और हम यूं महसूस करते रहे उनकी जात को कि बड़ा सुकून बड़ा सुख है उनके साए में, बड़ा सुकून बड़ा सुख है उनके साए में, वो जिनका हाथ बरगद की छांव जैसा है। सामीन हजरात, 9 जुलाई बरोज हफ्ता सन 2005 का ही वो सयाह दिन था कि जिसने पैकरे यकजहती मुजस्सम कौम परस्ती कामयाब सियासतदान तहजीब व सकाफत के पासबां आला मुफक्किर मुदब्बिर व मुअख्खिर नीस हयात कुल्लियत में यकीन रखने वाली कद्दावर शख्सियत डॉक्टर साहब को हमसे जुदा कर दिया और हम तमाम कानून कुदरत की इस हकीकत को चार और चार तस्लीम करने पर मजबूर हुए कि लाई हयात आए कजा ले चली चले, लाई हयात आए कजा ले चली चले, न अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले। हकीकतन इंसान की आमद रुखसत यानी आवागमन में खालिक कायनात की मर्जी को ही दखल है, लेकिन इस आबाद खराबे में आने के बाद जिंदगी को बनाने संवारने मुस्बत फिक्र और कारनामों के साथ जिंदगी का गुजरान करने में यकीनन इंसान की अमली तदाबीर और फिक्र रसा को अहम रोल हुआ करता है। और दुनिया से कूच कर जाने के बाद उन्हीं अशखास को याद किया जाता है जो इस दारे फानी में आकर अपने वजूद को लाफानी बना देते हैं। चुनाचा डॉक्टर रफीक जकरिया का शुमार ऐसे ही मादूदे चंद इंसानों में किया जाता है। ताहियात, अपनी अना व खुददारी को कायम रखते हुए कभी उन्होंने अपनी हक गोई का सौदा न किया और किरदार के गाजी बनकर यूं जिंदगी गुजारी कि आईने जवां मर्दा हक गोई व बेबाकी अल्लाह के बंदों को आती नहीं रूबाई। ये था उनका किरदार। और आज हम ऐसे ही मर्द मुजाहिद इस्लामिक स्कॉलर और बा अज़्म तालीमी रहनुमा की बरसी के मौके पर खराज तहसीन पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। हमारा कॉलेज मुल्क के ऐसे नामसात हालात में भी अपने उस आयत को याद करना न भूला
कि जिसने अपने फिक्री एहसास और अमली अकदाम से कुशादा जहनी का मुजाहरा करते हुए इत्तेहादियत को फरोग दिया और इस ख्याल को आम किया कि दोरंगी खूब नहीं यक रंग हो जा। उनके बेबाकाना तकरीरें और आलिमाना तहरीरें इस बात की गम्माज हैं कि वो हमेशा वक्त की नब्ज पर हाथ रखते हुए जहां कौमी इत्तेहाद की फजा कायम करने में मसरूफ़ अमल रहे, वहीं वक्त के तकाजे को लब्बैक कहते हुए कौम को जेवर तालीम से मुज़य्यन करना ज़रूरी करार समझा। और बहैसियत मुफक्किर वो हमेशा इस फिक्र में गलता रहते कि बाइज्जत और कामयाब जिंदगी का राज सिर्फ तालीमी काबिलियत, इल्मी सलाहियत, मसाई जद्दोजहद में पोशीदा है। गोया इस सिलसिले में जब उनकी दूररस निगाहों ने दुनिया का मुशाहिदा किया तो मुशाहिदे से बरामद यही अंजाम पाया, यही जवाब पाया, यही सदा पाई कि दुनिया में वही कौमें तरक्की करती हैं जो महज़्ज़ब और तालीम याफ्ता हुआ करती हैं। चुनाचे दुनिया के नक्शे से हासिल शुदा सच्चाई ने उन्हें अलल एलान ये कहने पर मजबूर किया कि तालीम ही वो शाह कलीद है कि तालीम ही वो शाह कलीद है कि जिससे तरक्की हयात का हर कुफल खुल जाता है। लिहाजा यही वो जज्बा खैर था कि जिसने डॉक्टर साहब को महाराष्ट्र खुसूसन औरंगाबाद से जहल के अंधेरे को दूर करने और तालीमी ज़िया रोशन करने में कामयाबी दी और उन्हें कमर बस्ता कर दिया। चुनाचा देखते ही देखते यहाँ इल्मी और अदबी इदारों का एक जाल सा बिछ गया ताकि इल्म की रोशनी से कोई भी अजहान तिश्ना काम न रहे। ये था उनका तालीमी फील्ड का अहम कारनामा जो रहती दुनिया तक याद रहेगा। लिहाजा जब इस मर्द मुजाहिद की तामीरी सलाहियतें बा अज़्म मंसूबे वलवला अंगेज उमंगें और कौमी व मिल्ली खिदमात मुश्तहिर हुई तो सियासी लीडरान ने भी उनकी जमालियाती हिस, जुनून शौक और कोशिश रिंदाना का एतराफ बहुत ही फराग दिली से किया और शहर औरंगाबाद को तालीमी मुकाम कायम करने वाला एक शानदार मस्कन करार दिया और मिनी यूनिवर्सिटी के मुमासिल उनके कायम करदा कॉलेज को दिया गया। उनके कायम करदा कॉलेज को मिनी यूनिवर्सिटी के मुमासिल करार देने वालों में जिन हजरात का जिक्र मैं करना चाहूंगी वो कोई मामूली लोग नहीं थे। मेरा इशारा सदर जम्हूरियाए हिंद आर वेंकट रमन और इज्जत माप ज्ञानी जैल सिंह की जानिब है। तारीख शहर औरंगाबाद को नया नाम, नया चेहरा और नए अज़्म से आरास्ता करने वाले डॉक्टर साहब मिल्लत की तरक्की और तामीर के लिए हमेशा कोशा रहे। कौम की नाखानदगी और पसमानदगी को दूर करने में
वो ताहयात मसरूफ़े अमल रहे हैं। दुख्तराने मिल्लत का दर्द रखने वाले इस मसीहाए कौम ने निस्वा कॉलेज का क़याम इसी फिक्र के ज़ेरे असर किया कि आज के मुसाबकती दौर में ख़वातीन किसी से पीछे ना रहें। बहरहाल डॉक्टर साहब की गैर मामूली सलाहियत, मंजिलत और मर्तबत को किसी पैमाने या किसी कसौटी पर नापा नहीं जा सकता, क्योंकि उनके कारनामे तो कौसे कजा के मानिन हैं और जिसका हर रंग खुशगवार कैफियत से इबारत है। कैफियत से इबारत होते हुए अपनी कौमियत, खिताबत, इल्मियत, अदबियत, तारीखियत और तहजीब व सकाफत की भरपूर मिसाल पेश कर रहा है। उनके लगाए हुए तालीमी पौधे आज तनावर दरख्त बन चुके हैं और आज इस नाकाबिले फरामोश शख्सियत को सही मानों में खिराज तहसीन या खिराज अकीदत यही होगा कि उनके कायम करदा तालीमी इदारे जो अशजार की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, बहसियत उस्ताद हम निहायत दयानतदारी से उनकी आबियारी करें, नई नस्ल को फैज पहुंचाते हुए उनके ख्वाबों की ताबीर में मुआविनत करें। अपनी जर्री खिदमात के जरिए तारीख के नक्शे पर शहर औरंगाबाद को बुलंद मुकाम पर देखना पसंद करें। आह सामीन हजरात, चिराग फिक्रो आगही का ये दरख्शंदा सितारा तो गुरूब हो गया है। जी हाँ, जिस्म को फना का पैगाम है मगर कारनामे जिंदा रहते हैं जिन्हें दायमी हैसियत हासिल होती है। चुनाचा उनके कारनामों को देखकर महसूस हो रहा है कि डॉक्टर साहब हमारे दरमियान ही, हमारे गोया इर्द गिर्द ही हैं और सरगोशी के अंदाज में खुदा और बंदों से मुखातिब होकर गोया यूं कह रहे हो, दावरे हश्र मुझे तेरी कसम, उम्र भर मैंने इबादत की है, तू मेरा नाम ए आमाल तो देख, मैंने इंसान से मोहब्बत की है, तो मोहब्बत की इस लाजवाल पैकर की यादावरी में आज हमारा और हमारे निस्वा कॉलेज का मकसद अजीम यही है कि हम अपने कायद आजम को इस मौके पर याद करें और याद करते रहें। शुक्रिया।